वर सैंडी ब्लॉग्स और हम आ चुके हैं जयपुर और हम निकले थे सुबह और अभी यहाँ हो चुकी है शाम। हमने रेस्ट किया क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे और इसके बाद हम जाएंगे गुलाब जी चाय वाला, वहाँ की चाय बहुत फेमस है। चाय पीने के बाद और भी हम जो एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए। और पीछे हमारा है होटल, यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, होटल मारुकासा, काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। आप अगर आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ हम पहुँच गए थे फेमस गुलाब जी वाले के यहाँ चाय पीने के लिए। चाय के साथ हमने कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर किए। वैसे तो इनका बन मस्का फेमस है लेकिन इस बार हमने बॉम्बे सैंडविच ऑर्डर किया जो कि काफ़ी अच्छा और टेस्टी था। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हेलो, और गुलाब जी में चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं आगे। अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसा है यहाँ शाम का नज़ारा और ये हमारी टोली चल रही है आगे। और जयपुर की गलियों में हम कर रहे हैं वॉक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम आए बिरला मंदिर में जो कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित। हेलो एवरीवन, और अभी हम पहुंच चुके हैं बिरला मंदिर। अंदर कैमरा और फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो जितना यहां से दिख सकता है मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी आपको बताऊंगी कि कैसा है अंदर से मंदिर। हमने दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा मंदिर है सफ़ेद संगमरमर के ऊपर, ठंडा ठंडा। और अंदर आरती शुरू ही हो रही थी, अच्छा हुआ हम शाम को सही टाइम पे पहुंच गए, काफ़ी मज़ा आया। अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे। मंदिर के बाद हम आए मॉल। मॉल में हमने वैसे कोई शॉपिंग तो करी नहीं, बस हमने यहाँ विंडो शॉपिंग करी। और बिरला मंदिर घूमने के बाद हम आए हैं मॉल घूमने के लिए। बस यहाँ पे हम लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं खाली। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं पर अभी हमारा लेने का मन नहीं है, हम करेंगे स्ट्रीट शॉपिंग। हेलो एवरीवन, और अब हम आ चुके हैं पत्रिका गेट घूमने के लिए। इससे पहले हमने थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर किया था, अब हम पत्रिका गेट घूम रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे डिनर। और अभी हम हैं पत्रिका गेट में, काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी सारे यहाँ ब्राइडल शूट्स भी हो रहे हैं। रात में और दिन में ये दोनों समय बहुत खूबसूरत लगता है और अंदर की चित्रकारी भी बहुत खूबसूरत है। घूमने के बाद हम थक चुके थे तो उसके बाद हम आए सरस पार्लर कुछ स्नैक्स खाने के लिए। हेलो, और अभी हम आए हैं सरस पार्लर और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। काफी अच्छा लग रहा है जयपुर में, आज का दिन हमारा काफी अच्छा गया।
और बताओ कैसा लगा तुम्हें सरस का एम्बियंस? पार्लर घूम रहे हैं, बहुत मजा आया है। हमने पनीर पकौड़े खाए, हमने जलेबी खाई है, हमने गर्मा गर्म दूध पिया है। सर्दियों में यहाँ बैठने के लिए बहुत सारा अच्छी जगह है, शांति है, बैठे रहो, बातें करते रहो, दोस्तों के साथ आओ। और मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम घूमने का, और खाना भी बहुत यम्मी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। मिलते हैं आगे। इसके बाद फाइनली हमने डिनर किया महावीर रबड़ी भंडार से, बीजन की रोटी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे और आलू प्याज की सब्जी के साथ। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।